तो गाइस जैसे कि हम स्प्रिंग बोर्ड प्रोजेक्ट बना रहे हैं ई कॉमर्स साइट, तो अभी तक जैसे कि हम टोटल 5 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। तो अभी तक गाइस जैसे जो भी कोड हम बना चुके हैं, जो लिख चुके हैं, सब कुछ आपको गिटहब के अंदर मिल जाएगा। तो जैसे सब वीडियो के अंदर मैंने ऐड कर चुका गिटहब का लिंक, तो हर एक जो वीडियो के अंदर जो मैं एक्सप्लेन में कर रहा हूँ सब कुछ क्या है ना, ब्रांच वाइज मैंने अलग करके रखा हूँ, राइट। तो मैं आपको मैं दिखाया तो ब्रांच का लिंक आपको मिल जाएगा, गिटहब का लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो जैसे फर्स्ट, तो जैसे मैंने आ चुका मेरा गिटहब के अंदर, तो यहाँ पर मेन, तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे दो ब्रांच में बना के रखा हूँ। अभी मेन ब्रांच में क्या ना फुल कोड मिलेगा, बट जैसे कि जो जो वीडियो देख रहे हो तो उसी अलग अलग कोड आपको चाहिए, तो आप ब्रांच को सिलेक्ट करके उस कोड का देख सकते हो, तो आप पढ़ने के लिए रेफरेंस जैसा ले सकते हो। ओके, सिंपल क्या ना, 1 to 5 वीडियोज़ तक जो मैंने कोडिंग किया हूँ सब कुछ, वो वीडियो आपको वीडियो 1 to 5 ब्रांच का मिल जाएगा। जैसे आप ब्रांच स्विच करोगे देन आपको कोड यहाँ पर मिलने वाला है। ओके, तो आज की वीडियो जो होने वाला है नंबर 6th नंबर वीडियो, जो 6 to 10, तो यहाँ तक इस 5 वीडियो में जो भी हम करेंगे लिखे कोर्स वगैरह, तो गाइस सब कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है इस ब्रांच के अंदर। ओके, तो गाइस देन लेट्स स्टार्ट। तो गाइस जैसे अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देना, तो गाइस चैनल पर रोज़ इससे मिलता है प्रोजेक्ट्स के वीडियो के साथ साथ ट्यूटोरियल्स मिलता रहेगा। तो ओके गाइस देन लेट्स स्टार्ट, तो सिंपल आ जाएंगे। तो गाइज आज के मॉड्यूल का जो बनाने वाला है, तो गाइज अभी तक जैसे कि हम, तो आपको मैं एक बार रन करके दिखाया था प्रोजेक्ट्स को, देन क्या क्या मॉड्यूल बन चुका है और क्या बनाने वाला आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। रन आज कर देंगे स्प्रिंग बूट आप, तो ये हम शॉपिंग कार्ट बना रहे। तो गाइज ये बहुत एडवांस लेवल पे हम करने वाले, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो गाइज आपको सपोर्ट करना है, तो जैसे कि इस वीडियो को, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर भी कर सकते हो दोस्तों के साथ। ओके, तो रन आज, तो गाइज कोई भी वीडियो से कुछ हेल्पफुल हो रहा गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एक बार। ओके, तो गाइस सक्सेसफुली क्या है ना, मैं टॉम का स्टार्टेड हो चुका है 8080 पोर्ट पे, एक बार आके रन कर लेंगे लोकल होस्ट 8080 पोर्ट पे। ओके, सिंपली ये हमारा होम पेज हम बनाए थे, तो एक इंडेक्स पेज बनाए थे, उसके बाद लॉगिन पेज हम बनाए थे, उसके रजिस्टर पेज हम बनाए थे, राइट। सिंपल इतना ही हो गया था। उसके बाद हमें एडमिन पैनल बनाए थे, लास्ट एडमिन के बाद एडमिन ये लास्ट वीडियो में हम बना चुके हैं, तो इसके 8 प्रोडक्ट भी बन चुका है आन कैटेगरी। तो गाइस सबसे पहले फर्स्ट वाला क्या है, हम कैटेगरी मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे। तो गाइस जैसे कि जो रजिस्ट्रेशन लॉगिन मॉड्यूल हम अभी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो दैट मीन्स क्या है, यहाँ पर दो यूज़र है, एक एडमिन मॉड्यूल है, एक अनदर यूज़र नॉर्मल कस्टमर मॉड्यूल है। तो गाइस सिंपल क्या है ना, एडमिन को अभी कोई प्रोडक्ट अगर ऐड करना है या देखना है सब कुछ, अभी कोई ऑथेंटिकेशन जरूरत नहीं, बट जैसे कस्टमर मॉड्यूल पर आएंगे वहाँ पर हमको जरूरत होगा, जैसे कि ऑथेंटिकेशन मतलब कौन सी यूजर क्या ऑर्डर कर उस टाइम हमको जरूरत है। तो जैसे कि हम ये वाला पहले कैटेगरी ऐड करेंगे, तो उसके बाद प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, देन प्रोडक्ट को व्यू करेंगे, एडिट करेंगे, अपडेट डिलीट सब कुछ करेंगे। इतना ही कंप्लीट करने के बाद देन हम ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे, जैसे कि दैट मीन्स स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज करेंगे, लॉगिन रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल सब कुछ इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ओके, तो ओके गाइस सिंपल अभी आज के वीडियो हम जो बनाने वाले हैं आर कैटेगरी, तो फर्स्ट वाले फर्स्ट मॉड्यूल होने वाला है आज के वीडियो के अंदर से हम स्टार्ट करेंगे, लॉजिक का कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट वो क्या है ना, जैसे कि हम एक टेबल बनाएंगे या मॉडल बनाएंगे, रिपोजिटरी बनाएंगे, सर्विस लेयर बनाएंगे। तो ये सिंपली क्या है ना, जैसे कि हम स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जो बनाते हैं उसमें अंदर क्या ना, 3 लेयर आर्किटेक्चर हम फॉलो करके बनाते हैं। एक क्या होता है, कंट्रोलर होता है, सेकेंड होता है सर्विस लेयर एंड रिपोजिटरी लेयर, राइट। तो इस तरह हम बनाएंगे 3 लेयर स्ट्रक्चर पर। तो फर्स्ट जो कंट्रोलर होता है रिक्वेस्ट जैसे कि रिसीव करने के लिए, सर्विस का हम लॉजिक लिखते हैं, एंड जो डाओ लेयर दैट मीन रिपोजिटरी जो होता है डाओ लेयर दैट मीन्स वो डाटाबेस के साथ कनेक्शन करने के बाद सेव अपडेट डिलीट सब कुछ लॉजिक हम करने वाले। ओके, तो आज के वीडियो में हम ये वाला करेंगे। तो सिंपली आज जैसे कि अभी देख सकते एस आर सी मेन जावा जो है मेरा पैकेज के अंदर, e.com.ecom मेरा मेन क्लास यहाँ पर है, एंड मैंने जैसे अभी तक एक पैकेज बनाया था, उसके अंदर एडमिन कंट्रोलर और होम कंट्रोलर अभी सिंपली इतना ही बना हुआ था। सिंपली जैसे चेक कर लेंगे एडमिन कंट्रोलर के अंदर क्या है ना, मैंने जैसे कि जो भी मैपिंग हो रहा है कौन सी पेज दिखाने के लिए मैंने ये वाला बनाया था। ओके, डन। उसके बाद क्या है ना, तो आज के दिन जो बनाएंगे जैसे कैटेगरी को सेव करेंगे, व्यू करेंगे, दो मैपिंग करने वाले, तो आ जाएंगे सिंपल। तो एडमिन कंट्रोलर जो है, तो यहाँ पर उससे पहले जैसे कि हम जो भी कैटेगरी को स्टोर करेंगे, तो पहले हम क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे। तो हम कैटेगरी जो रखेंगे डाटाबेस में उसका एक मॉडल चाहिए, तो मॉडल बनाएंगे, मॉडल पैकेज बनाएंगे, जैसे मेरा जो पैरेंट पैकेज है com.ecom, राइट क्लिक करेंगे न्यू देन पैकेज। तो फर्स्ट मेरा ये मॉडल क्लास बनेगा मॉडल पैकेज। ओके, देन सेकेंड बनाएंगे इंटर दैट मीन्स सर्विस डॉट सर्विस, एंड उसके बाद जो बनाएंगे न्यू पैकेज बनाएंगे रिपोजिटरी। ओके, देन ये कंप्लीटेड।
ओके तो ये कंप्लीट हो चुका है, सिंपल अभी क्या कंप्लीट सर्विस बन चुका है, मॉडल बन चुका है। फर्स्ट हम मॉडल बनाएंगे न्यू, तो दैट मीन्स क्लास बनाएंगे, कैटेगरी कैटेगरी बनाएंगे। ओके उसके बाद प्राइवेट एंड आईडी, प्राइवेट सिंपल हम इंट टाइप डाटा टाइप रखेंगे, प्रिमिटिव टाइप एंड स्ट्रिंग कैटेगरी नेम, सिंपल नेम ही रखेंगे, कैटेगरी टेबल मतलब मेरा नेम रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्राइवेट स्ट्रिंग फाइल नेम या इमेजेस नेम, इमेज नेम। ओके तो टोटल इतना ही फील हम लेने वाले हैं। उसके बाद देन उसके बाद क्या है ना, जैसे कि हम मॉडल जो बनाएंगे जैसे डाटा जेपी यूज करेंगे, तो फर्स्ट ऑल क्या है ना, जो डिपेंडेंसी हम जो स्टार्टिंग में ऐड किए थे, जो कमेंट करके रखे थे डाटाबेस रिलेटेड कनेक्शन, उसको अभी क्या करेंगे, अनकमेंट करेंगे। पॉम डॉट एग्जाम्पल में आ जाएंगे, तो मैंने जो कमेंट किया था उसको अनकमेंट करेंगे। तो फर्स्ट ऑल डाटा जेपी हम यूज़ करेंगे, राइट। तो इसी उसको करेंगे अनकमेंट करेंगे, डाटा जेपी हो चुका है। उसके बाद माई स्क्वायर कनेक्टर चाहिए, दैट मीन्स हम माई स्क्वायर डाटा बेस यूज करेंगे जावा प्रोग्राम को डाटा बेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। माई स्क्वायर जरूरत है, तो माई स्क्वायर डाटा बेस यूज कर रहे हैं, उससे जो भी आप डाटा बेस यूज करोगे उसका कनेक्टर चाहिए आपको। अगर आप ओरा के लिए यूज करो, ओडीबी सी चाहिए, वो ऐड कर देना, राइट। हो चुका है डन, माई स्क्वायर ऐड हो चुका है एंड डाटा जेपी ऐड हो चुका है, दोनों चाहिए जैसे डाटा बेस के साथ कनेक्शन करने के बाद डाटा सेव करने के लिए। ओके अभी कैटेगरी पर आ जाएंगे, सिंपल अभी जो क्लास है मेरे उसको डिफाइन करना, एंटिटी एंटिटी। उसके बाद जो मेरा आईडी जो है ये मेरा प्राइमरी की है एट द रेट, एंड इसका जो वैल्यू रहने वाला ऑटो इंक्रीमेंटेड जनरेटर वैल्यू, स्ट्रैटेजी जनरेशन टाइप और आइडेंटिटी। ओके डन। उसके बाद जैसे कि हम इसको गेटर स्टार्टर मेथड डिफाइन करेंगे, तो दैट मीन्स क्या है ना, जैसे कि इस प्रोग्राम का नाम हम यूज करेंगे लॉम्बॉक। तो गाइस जैसे लॉम्बॉक कैसे इंस्टॉल करना है, तो ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो भी लिंक दे दूंगा, तो कैसे इंस्टॉल करना होगा लॉम्बॉक। तो जैसे कि यहाँ पर यूज कर ले हम लॉम्बॉक, तो लॉम्बॉक पैकेज चेक करना, लॉम्बॉक पैकेज है कि नहीं पॉम डॉट एक्सएमएल में। तो मेरे यहाँ पर डेव टूल्स टेस्ट नहीं है यहाँ पर, तो मैं लॉम्बॉक यूज कर लूँगा। तो आ जाएंगे लॉम्बॉक का डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, एम लॉम्बॉक मावेन डिपेंडेंसी। तो ये कॉपी कर लेंगे, आने के बाद हम पेस्ट कर देंगे। ओके ऐड हो चुका है। उसके बाद आ जाएंगे जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे ऑल आर कंस्ट्रक्टर, मतलब जो भी ऑल आर कंस्ट्रक्टर मिल जाएगा, नो आर कंस्ट्रक्टर सिंपली। तो उसका नो आर कंस्ट्रक्टर मिल चुका है लॉम्बॉक, देन उसका गेटर स्टार्टर मेथड। तो मतलब जो भी बॉयलर प्लेट कोड हम जो लिखते थे अभी नहीं लिखेंगे, जैसे कि ये सब कुछ सॉल्व कर देगा मेरा लॉम्बॉक ने, बहुत इजी बन गया। तो जैसे कि हम जो भी लेंथी कोड थे, गेट मेथड, सेट मेथड, टू स्ट्रिंग मेथड, तो अभी क्या है ना, सब कुछ लॉम्बॉक ही कर देगा, तो हमको कुछ खुद नहीं लिखना है, राइट। ओके कंप्लीटेड। उसके बाद बिल्डर मेथड हम पैटर्न यूज करेंगे, बिल्डर पैटर्न, राइट। बिल्डर पैटर्न बहुत ईजी है, बहुत हम जैसे कोड करते थे आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। हो चुका है आई डी नेम इमेज नेम हो चुका है। ओके तो आई होप इस बिल्डर बटन में जरूरत नहीं है, तो इसको रिमूव कर लेंगे, जब जरूरत होगा हम उसको ऐड कर लेंगे। ओके तो बिल्डर बटन वगैरह जैसे हम रेस्ट एपीआई बनाएंगे उस टाइम यूज करेंगे, बहुत आपके लिए ईजी होगा, तो आपको समझ में आएगा रेस्ट एपीआई तो सीखेंगे। तो भी आ चुका है, देन उसके बाद मेरा भी मॉडल बन चुका है, राइट। तो भी आ जाएंगे जैसे रिपोर्टरी बनाएंगे, तो यहाँ पे ये इंटरफेस है, तो ये बनाएंगे कैटेगरी ओके सर्विस बनाएंगे न्यू इंटरफेस कैटेगरी सर्विस, राइट। जो जो हम बनाएंगे मॉडल उसी से उसको सर्विस भी अलग अलग बनाएंगे। नहीं तो सिंपल क्या है ना, तो जैसे कि एडमिन रिलेटेड जो भी फंक्शनलिटी है ना, सब एडमिन सर्विस के अंदर हम रखेंगे, राइट। तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे, तो इसको क्या करें डिलीट कर देंगे। तो हम एडमिन रिलेटेड जो फंक्शनलिटी रहेगा एडमिन सर्विस के अंदर ही रखेंगे,
न्यू या समथिंग कैसे बनाएंगे उसको इजी भी करना है। अगर हम एडमिन के अंदर रखेंगे तो बहुत कुछ आपको ऐड करना होगा, राइट। तो सिंपल, तो ठीक है, सिंपल से अलग अलग डिफाइन करके रखें ताकि आपको इजीली समझ में आएगा, राइट। तो जैसे कि हम आ जाएंगे कैटेगरी कैटेगरी सर्विस, ये बन गया हमारा इंटरफेस का इंप्लीमेंट क्लास बनाएंगे। तो इसको राइट क्लिक करके मैं आना, तो एक पैकेज बना लूँगा, न्यू एक क्लास बना लेंगे कैटेगरी सर्विस आई एम पी एल, और इसको जो पैकेज बनाएंगे सर्विस आई एम पी एल नेम से बना लेंगे, राइट। इसके इंप्लीमेंट रिलेटेड जो भी रहेगा बन जाएगा हमारा, राइट। तो इससे जो यहाँ पर कैटेगरी सर्विस आई एम पी एल है, ये जो क्लास है इसको मैं इंप्लीमेंट करूँगा कैटेगरी सर्विस को, सर्विस। ओके डन, इसको हम डिफाइन कर लेंगे, ये इसे मेरा बिन बन जाएगा सर्विस। ओके दैट मीन्स इसका एनोटेशन मैंने यूज कर दिया। ओके कंप्यूटर हो चुका है, रिपोजिटरी बन चुका है, सर्विस बन चुका है, राइट। तो ये लॉजिक मेरा बन चुका है, पर्टिकुलरली कैटेगोरिया भी है यहाँ पर। ओके डन, तो सिंपल अभी आ जाएंगे फास्ट वर्क, क्या आएंगे हम जैसे कि कैटेगोरी सेव करेंगे, मतलब मेरा जो लॉजिक क्या है ना, जो भी हम लॉजिक के ऑपरेशन करेंगे सब कुछ सबसे पहले सर्विस लेयर पे बनाएंगे। तो दैट मीन्स क्या है ना, कंट्रोलर एंड पॉइंट क्या है ना, कंट्रोलर एंड पॉइंट से उसको हम कॉल करेंगे कंट्रोलर से, बट क्या है ना लॉजिक वगैरह सब कुछ लिखेंगे सर्विस लेयर के अंदर। ओके तो जैसे कि जो मेथड बनाएंगे सब कुछ हम डिफाइन करेंगे सर्विस इंटरफेस के अंदर, उसका इंप्लीमेंट्स लॉजिक जो है जो बॉडी पार्ट हम इसको आई एम पी एल क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट वाला एक बनाएंगे जैसे कि सिंपल पब्लिक कैटेगोरी, कैटेगोरी ऐड करेंगे, राइट। प्राइवेट, सॉरी ये वाला गलत किया मैंने, तो उसको क्या है सेव कैटेगरी मेथड का नेम होगा सेव कैटेगोरी, उसके पैरामीटर क्या ना कैटेगरी ऑब्जेक्ट पास करेंगे। ओके डन, उसके बाद गेट ऑल करेंगे कैटेगरी, जो भी कैटेगरी ऐड हुआ है उसको गेट करेंगे कैटेगरी, अभी इतना रखेंगे, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं करेंगे। तो इंप्लीमेंट्स क्लास के अंदर आ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या है ना उसका, और जैसे जो इंप्लीमेंट जो हम जो मेथड डिफाइन किए उसके हमें बॉडी लिखना होगा, तो ओवरराइड करना होगा मेथड पर्टिकुलर, तो आ जाएंगे इसका क्लिक करेंगे आर ऑन इंप्लीमेंट मेथड, तो ओके तो डन। ओके तो जैसे हम कैटेगरी ऐड करने के लिए तो डाटा बेस के साथ, तो यहाँ पर क्या डिफाइन करना होगा, मेरे रिपोजिटरी डिफाइन करेंगे, राइट। तो प्राइवेटरी प्राइवेट कैटेगरी रिपोजिटरी, कैटेगरी रिपोजिटरी, तो हम कैटेगरी रिपोजिटरी डिफाइन करेंगे, राइट। तो इसको हम ऑटो ऐड कर देंगे, दैट मीन्स उसका ऑब्जेक्ट इंजेक्ट कर लेंगे जब हम क्लास को रन करेंगे, तो आई सी कंटेनर उसका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बना के अभी इंजेक्ट कर देगा। ओके तो कैटेगरी रिपो रिपोजिटरी डॉट सेफ, देन ये बन जाएगा इस कैटेगरी पर जो लेके आएंगे तो सेव कर देंगे। ओके कंप्लीटेड, ऑल कैटेगरी गेट करना है, तो हम कैटेगरी रिपो डॉट फाइंड ऑल ऐसे कर देंगे, हमको मिल जाएगा यहाँ पर। ओके तो अभी दो मैंने मेथड डिफाइन किया, तो जैसे कि आर करने के लिए आन व्यू करने के लिए। ओके तो अभी मेरा सर्विस के अंदर लॉजिक बन चुका है, अभी आज कैटेगरी में मेरा जैसे रिपोर्टरी भी मेरा जैसे कि बन चुका है, राइट। अभी कैटेगरी भी मॉडल बन चुका है, अभी क्या है ना इसको हम कॉल करेंगे कौन सी कंट्रोलर से, राइट। तो जैसे एडमिन कंट्रोलर है तो यहाँ से मैं इसको कॉल करूँगा, तो फर्स्ट आ जाएंगे पब्लिक स्ट्रिंग रिटर्न टाइप होगा, कौन सी पेज दिखाएंगे सेव कैटेगरी, राइट। उसके बाद रिटर्न कर देंगे, जैसे से पर्टिकुलर सेव होने के बाद कौन सी पेज दिखाएंगे रिटर्न, रिडायरेक्शन कर लेके जाएंगे, अगर रिडायरेक्ट नहीं करेंगे देन ओल्ड ऑब्जेक्ट मतलब कैशिंग के अंदर स्टोर हो जाएगा, मतलब मेरा जो यहाँ पर रहता है ऑब्जेक्ट का स्टोर होगा। रिडायरेक्ट जैसे कर रिडायरेक्ट जैसे हम यूज करेंगे, सेव होने के बाद जो डाटा है ऑटोमेटिक रिमूव होनी चाहिए, राइट। तो रिडायरेक्ट डायरेक्ट ई सी टी डायरेक्ट, ओके कैटेगरी को हम लेके जाएंगे इसी यूआरएल पे रिडायरेक्ट कर देंगे, राइट। तो पर्टिकुलर ओके तो हमारे बन चुका है, तो इसको हम एंड पॉइंट दे देंगे पोस्ट मैपिंग, तो पोस्ट टाइप डाटा है,
तो याद रखना, जैसे कि कोई डाटा हम फेच करेंगे डाटाबेस से यूआई को यूज़र दिखाने के लिए, उसे हम गेट यूज करेंगे, राइट। ऑन पोस्ट का भी यूज करेंगे डाटा में, जैसे कि यूआई से या फ्रंट एंड से को डाटा लेके जाएंगे सर्वर तक, उस टाइम पोस्ट जैसे यूज करेंगे डाटा सिक्योर है, सिक्योरिटी पर्पज हम पोस्ट गेट यूज करते हैं, पोस्ट के जैसे सिक्योरिटी पर्पज यूज करते हैं, डाटा कुछ फ्रंट एंड से बैक एंड तक लेके जाएंगे, राइट, जो सर्वर को भेजेंगे उस टाइम पोस्ट यूज करेंगे। तो सेव कैटेगरी, ओके डन। तो गाइस सिंपल, ओके ये बन चुका है। तो और एक में जैसे कि मेरे को एक मॉडल ऐड करना था एक प्रॉपर्टीज, तो कैटेगरी में आ जाएंगे। तो मतलब जैसे कि ना अगर मैं एक्टिव यूज करूँगा उस कैटेगरी, वो कैटेगरी देखेगा यूज़र को, राइट। अगर मैं इनएक्टिव कर दूंगा वो कैटेगरी यूज़र को नहीं दिखेगा, राइट। ये वाला फीचर भी मस्त फीचर है, इसको ऐड करेंगे। जैसे रियल टाइम प्रोजेक्ट, रियल टाइम जैसे का सीनियर में इसको इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, तो ये बुलियन टाइम यूज़ करेंगे, बुलियन एक्टिव इज एक्टिव, ओके। एक मैंने फील्ड ऐड किया हूँ, अगर मैं एक्टिव ट्रू है दैट मीन यूज़र को देखेगा, अगर फॉल्स है यूज़र को डिस्प्ले नहीं दिखेगा, ओके। तो ये हमारा लॉजिक है। तो आ जाएंगे कंट्रोल सर्विस, तो जैसे कंट्रोल रूम के अंदर आ जाएंगे एडमिन कंट्रोल। तो यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल करेंगे, कॉल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को सर्विस के यहाँ पर ऑब्जेक्ट चाहिए, सर्विस क्लास की। तो फर्स्ट हम इसको ऑटो ऐड करेंगे, जैसे कि कैटेगोरी सर्विस, राइट, कैटेगोरी सर्विस ऑटो ऐड, राइट। तो कैटेगोरी सर्विस डॉट फर्स्ट हम सेव कैटेगोरी कॉल करेंगे, सेव कैटेगोरी कैटेगोरी पास कर देंगे। तो कैटेगोरी जैसे कि पास करने के लिए, तो फर्स्ट हम क्या पैरामीटर के अंदर क्रिएट करना है, तो जैसे मॉडल एट्रीब्यूट यूज करेंगे, मॉडल एट्रीब्यूट कैटेगोरी ऑब्जेक्ट कैटेगोरी क्लास कैटेगोरी ऑब्जेक्ट, कैटेगोरी ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, राइट। उसके बाद जैसे रेस्पॉन्स कुछ हम दिखाएंगे मैसेज, जैसे सक्सेसफुली सेव हुआ है कुछ मैसेज वगैरह दिखाएंगे, राइट, जैसे कि यूजुअली समझ में यूजर को एचटीटीपी सर्वलेट रेस्पॉन्स, या ऐसे सेशन यूज करेंगे, राइट। तो सेशन दैट मीन्स क्या है ना, टेम्पोरल टाइम के कुछ हम डाटा स्टोर करेंगे कुछ अपडेट के अंदर, जैसे रिफ्रेश करेंगे उसको रिमूव हो जाएगा, तो इसलिए जैसे कि एचटीटीपी सेशन कौन सा हम यूज करेंगे, एचटीटीपी सेशन, ओके। ये दो पैरामीटर आपको लेना है, राइट। उसके बाद मैं आ जाऊँगा यहाँ पर सेव कैटेगरी, सेव कैटेगरी पास करेंगे, जैसे कि सिंपल कैटेगरी ओके। तो उससे पहले दैट मीन्स क्या ना, हम कैटेगरी एग्जिस्टिंग भी चेक करेंगे, मतलब लो जैसे कि कोई कैटेगरी सेव करना ट्राई कर रहा है, वो कैटेगरी ऑलरेडी है, उसके इस तरह मैसेज भी दिखाएंगे दिस कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ये वाला लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे। तो दैट मीन्स आज सर्विस के अंदर वो लॉजिक लिखेंगे, तो जैसे कि आ जाएंगे सेव कैटेगरी से पहले आप एक मेथड बनाएंगे, नहीं इस तरह नहीं, यहाँ पर उसको नीचे लिखेंगे पब्लिक पब्लिक बुलियन। तो गाइज मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ कोडिंग कर रहा, जैसे आपको इजीली समझ में आए, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करेंगे, लाइन बाय लाइन कोडिंग करेंगे, आपको इजीली समझ में आएगा, राइट। एक्सिस कैटेगरी सिंपल, तो स्ट्रिंग कैटेगरी नेम पास करेंगे, कैटेगरी नेम सिंपल नेम रख देंगे, तो नेम मतलब कैटेगरी का है, ओके। इसका इंप्लीमेंट क्लास बनाएंगे, ओके, और इंप्लीमेंट कर देंगे एक्सिस कैटेगरी, ओके। तो गाइज ये जिसे कर रहा हो कैसे आपको पता है, तो गाइज सिंपल क्या है ना, मैं जो यहाँ पर जो टाइप कर देखो, अभी जैसे एरर आ रहा है, जैसे मैंने जो मेथड डिफाइन किया उसका यहाँ पर ओवरराइड करना होगा। तो जैसे कि सिंपल क्या है ना, एक शॉर्टकट ट्रिक होता है, ऑल्ट शिफ्ट एस कर देना है, गो ओवरराइड इंप्लीमेंट मेथड, राइट। तो यहाँ पर जैसे क्या वो ओके कर दोगे क्रिएट हो जाएगा, राइट। अगर नहीं तो आपको सोर्स पर क्लिक करना है, राइट। तो यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर नहीं रिफैक्टर ये वाला सोर्स, ओके सोर्स ओवरहेड इंप्लीमेंट मेथड, यहाँ पर जैसे क्लिक करो ये आ जाएगा। आई तो डायरेक्टली यहाँ पर जो एरर दिखा रहा है यहाँ पर भी डायरेक्टली यहाँ से क्लिक कर सकते हो, जैसे क्लिक कर दो ऐड ऑन इंप्लीमेंट मेथड आ चुका है, जैसे ऐड हो जाएगा, ओके एग्जिस्ट कैटेगरी। तो उसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पर चेक करूँगा जो कैटेगरी है डाटा उसके अंदर है कि नहीं, तो मैं एक मेथड बनाऊँगा रिपोर्टरी के अंदर, जैसे कि चेक करेंगे कैटेगरी रिपोर्ट आएंगे, जैसे कि हम ये कस्टम फाइंड मेथड यूज करेंगे, राइट। तो इस तरह कुछ ऑलरेडी प्री डिफाइंड नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, बुलियन टाइप रिटर्न करना है, एग्जिस्ट ऑलरेडी एक मेथड है, दैट मीन्स एक क्वेरी है एग्जिस्ट, एग्जिस्ट बाय नेम, पर्टिकुलर कौन सी फील्ड के ऊपर लगा रहे यूज कर रहे हो, जैसे कि ये जो नेम है ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं, राइट। तो मैं नेम लिख दिया यहाँ पर, उसका स्ट्रिंग नेम पास कर देंगे, राइट। तो दैट मीन्स अगर डाटा उसमें होगा ये मैं ट्रू देगा, अगर डाटा उसमें नहीं है फॉल्स देगा,
तो आज इसके अंदर वो जो एग्जिस्ट पे मेथड कॉल कर लेंगे, कैटेगरी रिपोजिटरी डॉट एग्जिस्ट बाई नेम, स्ट्रिंग नेम आ जाएगा, राइट। ओके डन, तो ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आ जाएंगे एडमिन कंट्रोल में आएंगे, तो जैसे कि सेव करने से पहले हम स्टेटस चेक करेंगे वो एग्जिस्ट है कि नहीं। तो फर्स्ट क्या नई कंडीशन हम चेक करेंगे, राइट। तो जैसे कैटेगरी सर्विस, कैटेगरी सर्विस डॉट एग्जिस्ट कैटेगरी, तो जैसे मेरा कैटेगरी ऑब्जेक्ट का कैटेगरी नेम मिलेगा, राइट। तो कैटेगरी ऑब्जेक्ट हम गेट कर लेंगे, फर्स्ट ऑल नेम डॉट गेट नेम, राइट। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है दैट मीन्स क्या नाम मैसेज कुछ दिखाएंगे, तो मैसेज जैसे दिखाने के लिए यूआई में एक हम टेम्पोरली एक सेशन कॉन्सेप्ट यूज कर, राइट। सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, मतलब क्या ना लिमिट टाइम के लिए कुछ डाटा रखेंगे कुछ टेम्पोरल टाइम के लिए, तो हम दे देंगे ये एरर मैसेज। एरर मैसेज क्या दिखाएंगे ना, कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट, कैटेगरी नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, आइदर एल्स कब एग्जिट होगा, जब तुम्हारा कैटेगरी ऑलरेडी डाटाबेस में नहीं है तब के ना अलग मान लो, जैसे कि ये कब एग्जिट हो, जब आपको ट्रू मिलेगा, राइट। तो उसको मैं और भी सेपरेट कर दूँ, आपको इजीली समझ में आएगा, राइट। तो एग्जिस्ट कैटेगरी मेरे को ऑब्जेक्ट मिल चुका है। तो कहीं यहाँ पर जैसे शॉर्टकट जो आ रहा है कैसे आना है, जैसे कि हमारे लास्ट में रखना है कंट्रोल वन दबाना है, जैसे हम दिखा रहे असाइन स्टेटमेंट टू न्यू लोकल वेरिएबल, ऑटोमेटिक आसान हो जाएगा, राइट। तो एग्जिस्ट कैटेगरी, तो ये कब मेरा ट्रू और फॉल्स कब देगा, अगर मान लो डाटाबेस ऑलरेडी है तो तब क्या ना ट्रू देगा, जब ट्रू मिल जाएगा उस टाइम मैं मैसेज दिखा रहा हूँ कैटेगरी नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, राइट। अगर डाटाबेस में नहीं है तो फॉल्स आएगा, तो बाय डिफॉल्ट करें एल्स ब्लॉक एग्जिट होगा, स्टार्ट होगा। तो उस टाइम हम दिखाएंगे एल्स ब्लॉक के अंदर क्या दिखाएंगे, तो जब नहीं है तो डाटा उस टाइम सेव करेंगे, तो आ जाएंगे इफ। तो उससे पहले क्या है ना, हम कैटेगरी को सेव करेंगे, कैटेगरी सर्विस डॉट गेट गेट सर गेट नहीं, आपको ऐसा कॉल करना सेव कैटेगरी, सेव कर कैटेगरी ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, तो ये मेरे को रिटर्न करने वाले एक सेव कैटेगरी, राइट, ऑब्जेक्ट मिल चुका है। तो ओके मैं यहाँ पर चेक करूँगा, मैं यहाँ पर चेक करूँगा एक ऑब्जेक्ट डिटेल्स, तो मतलब क्या है ना, तो ऑब्जेक्ट डिटेल्स के हिसाब से मैं चेक करूँगा इज एम्प्टी, तो सेव कैटेगरी मतलब क्या है ना, अगर मान लो एम्प्टी है दैट मीन्स क्या है ना, तो मतलब डाटाबेस में सेव, तब जैसे कि सक्सेसफुली डाटाबेस सेव हो जाएगा देन मेरे को ऑब्जेक्ट मिलेगा। और इनके सब कुछ कुछ भी इशू हुआ डाटाबेस सेव नहीं हो पाए, मेरे को ये नॉल दे देगा, जब नॉल दे देगा उस टाइम मैं क्या करूँगा, मैं बताऊँगा कि ये समथिंग इंटरनल सर्वर एरर, राइट, सर्वर में कुछ इशू है दैट मीन्स सेव नहीं हो पाया, और कुछ अपडेट मिल गया दैट मीन्स क्या ना मेरा सक्सेसफुल सेव हो चुका है, राइट। तभी मेरे लॉजिक क्या है ना, अगर मान लो ये जो ऑब्जेक्ट ट्यूटोरियल है ऑलरेडी क्लास इसका एक मेथड है इज एम्प्टी, तो मतलब क्या है ना ये नॉल चेक करेगा, नॉल आर एम्प्टी है देन ये ट्रू होगा, आइदर नहीं फॉल्स, तो मैं इसको नॉट इक्वल दे दूंगा, दैट मीन्स क्या ना मेरा अभी ऑब्जेक्ट के अंदर इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट मिलेगा मैं क्या करूँगा दे दूंगा सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट या समथिंग, इसको और भी इजी करना आएंगे, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं करेंगे, इसको रखते हैं अभी क्या ना, इसको मैं एम्प्टी रखता हूँ, इतना डिफिकल्ट नहीं करेंगे, राइट, आपको इजीली समझ में आए। धीरे धीरे हम जैसे कि आगे आगे करते जाएंगे आपको इजीली इसको थोड़ा डिफिकल्ट बनाएंगे, स्टार्टिंग है लॉजिक तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैं इजी बनाना ट्राई कर रहा हूँ, राइट। तो ऑब्जेक्ट ड्यूटी इज एम्प्टी मतलब क्या है ना, ये चेक करेगा जो सेव कैटेगरी ऑब्जेक्ट है ये नॉल नहीं होना चाहिए, कोई एम्प्टी भी नहीं होना चाहिए, राइट। तो जैसे कि मैंने एम्प्टी मतलब क्या ना ऑलरेडी नॉल है, अगर मान लो उसकी एम्प्टी भी है तब क्या ना ये जो ट्रू हो जाएगा, ट्रू जब होगा मैं उसके दिखाऊंगा एरर मैसेज, एरर मैसेज ये क्या टेम्पर टाइम ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू स्टोर होगा इसके अंदर, उसे दिखा देंगे समथिंग रॉन्ग से इंटरनल सर्वर, नॉट सेव्ड इंटरनल सर्वर एरर दिखा देगा। ओके एल्स ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, जब मान लो सक्सेसफुल सेव हो चुका है मेरा अपडेट मिलेगा, जब अपडेट मिल जाएगा तब एल्स ब्लॉक मिल कर लो एग्जीक्यूट होगा, उस टाइम क्या दूंगा सक्सेस मैसेज दिखा दूंगा, राइट, मैं सर्व कर लेगा सक्सेस मैसेज। सेव्ड सक्सेसफुली, ओके इतने लॉजिक और कुछ डिफिकल्ट नहीं, इतना लॉजिक में सब किसी सफिस में चलने वाला है। तो यहाँ पर मैंने कैटेगरी सेव लिखा था, इसको मैं रिमूव कर दूँगा यहाँ से, तो गई सिंपल है लॉजिक। तो फर्स्ट ऑफ क्या है ना, अगर मान लो तो सिंपल लॉजिक मैं आप फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सेव करने से पहले मैं चेक करूँगा जो कैटेगरी ऑलरेडी है कि नहीं, तो मान लो ये वाला जो लॉ सर्विस में चेक करो एग्जिस्ट कैटेगरी है, अरे होगा होगा तो ट्रू मिलेगा, आई तो फॉल्स मिलेगा, तो एग्जिस्ट कैटेगरी में ट्रू चेक करूँगा, अगर मान लो सक्सेसफुल ट्रू है देन उस टाइम मैं क्या करूँ कैटेगरी नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, राइट।
अगर मान लो एल्स का एग्जिट होगा दैट मीन्स जैसे कि मेरा डाटाबेस में नहीं है तब एल्स ब्लॉक एग्जिट होगा दैट मीन्स उसको उस टाइम क्या क्या सेव करेंगे, सेव कैटेगरी उस टाइम क्या सेव कैटेगरी मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट को मैं सेव कर लूँगा राइट। अगर मान लो यहाँ पर जैसे सक्सेसफुल सेव हो चुका है मेरे को ऑब्जेक्ट मिलेगा, और सेव नहीं हो तो नॉल मिलेगा। तो अगर मान लो जैसे मैं चेक कर रहा हूँ सेव ऑब्जेक्ट इट्स इज एम्प्टी सेव कैटेगरी दैट मीन्स क्या है ना ये नॉल है, इज एम्प्टी मतलब नॉल चेक कर रहा, मतलब इसका ऑल्टरनेटिव क्या है ना आपको दिखा रहा हूँ, सेव कैटेगरी क्या है ना सेव कैटेगरी नॉट इक्वल टू नॉल, उसका मीनिंग मतलब यही होता है ऑब्जेक्ट इट से क्लास होगा इज एम्प्टी चेक करेगा नॉल होगा। मान लो मैं इसको इक्वल दे देता हूँ नो इक्वल टू इक्वल नॉल है दैट मीन्स क्या ना उस टाइम ये वाला लॉजिक लिखना चाह इतना ही लिखना है सेम दोनों में राइट। तो बट अभी हम लेटेस्ट लिख रहे हैं न्यू न्यू मतलब जावा का लेटेस्ट वर्जन आ चुका है, हम थोड़ा कोडिंग स्टाइल भी चेंजेस करेंगे, इक्वल इक्वल नॉल नहीं लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट डिटेल्स ऑलरेडी जो इज एम्प्टी है मेथड चेक करेगा एम्प्टी नहीं होगा नॉल भी नहीं होगा राइट। तो चेक करा उसके बाद अगर मान लो अपडेट नॉल और एम्प्टी आया दैट उस टाइम क्या करेगा नॉट सेव्ड इंटरनल सर्वर दिखा देगा राइट। एल्स में कब होगा दैट मीन सक्सेसफुली मैं सेव हो चुका अपडेट मिल चुका दैट मीन एल्स ब्लॉक एग्जिट होगा तब क्या दिखाएंगे ना सक्सेस सेव्ड सक्सेसफुली ओके। ये मान लो जैसे कि मेरा सक्सेसफुल सब कुछ काम करने के बाद यानी क्या है ना मेरा ई वाला रिडायरेक्ट होकर कटोरी पेज पर चला जाएगा दिखा देगा राइट। इतना ही डन, उसके बाद आ जाएंगे यूआई पेज में राइट। तो जैसे कि हम एडमिन फोल्डर जो बनाए थे यहाँ पर कैटेगरी कैटेगरी जो है पट्टू यहाँ पर क्या नेम देना है आपको राइट। तो जैसे कि एंटर कैटेगरी तो मैं और फील्ड में बनाऊंगा यहाँ पर स्टेटस राइट। हम यहाँ पर रेडियो बटन यूज करेंगे तो आ जाएंगे बूस्टर की वेबसाइट से रेडियो बटन को क्लिक कर कॉपी कर लेंगे उसका लॉजिक डॉक्यूमेंट्स में आएंगे। तो जैसे कि रेडियो रेडियो बटन ये सिंपल है नहीं ये वाला नहीं ये वाला हाँ नहीं वाला नहीं मल्टी चेक नहीं वो वाला ही ऐसे ही है ये वाला राइट। इसको कॉपी कर लेंगे तो कॉपी करने के बाद आ जाएंगे कोड के अंदर पेस्ट कर देंगे राइट। तो स्टेटस से कैसे दिखता है चेक कर लेंगे एक बार तो आ जाएंगे ओके या उसको रन करना होगा आई थिंक ये प्रोग्राम स्टॉप है सर्वर मेरा रन करेंगे रन नाच ओके। तो ऐसे पे जैसे मैं रन करूँगा मेरे को एक एरर थ्रो करेगा क्योंकि ना जैसे कि मैं डाटा जे पी एन माई स्कूल कनेक्टर जैसे मैंने यूज़ किया डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी माई स्कूल का उसका कॉन्फ़िगरेशन ऐड करना होगा एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में तो मेरे को ऐड करना है तो मैं इसको ऑल कर लिख के रखा हूँ इतना कोई डिफिकल्ट नहीं आपको समझ में आ जाएगा ऑलरेडी मैं स्प्रिंग एमबीसी ट्यूटोरियल्स के अंदर ऑलरेडी सबको सिखा चुका हूँ। जे डी सी माई स्कूल दैट मीन्स जो डाटा से कनेक्ट करूँगा उसका नेम दिखाना है राइट। तो यहाँ पर मैं नेम दे दूँगा ई कॉमर्स DB तो इस नेम से फर्स्ट डाटाबेस बनाएंगे तो माई स्कूल आर्कबेंच में आ जाएंगे। तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक भी दे दूँगा कैसे आपको इंस्टॉल करना है माई स्कूल आर्कबेंच बहुत इजी है तो लोकल इंस्टॉल्स पर आ जाएंगे। तो मैं सिर्फ फोर्थ लाइक में क्लिक करूँगा एक स्कीमा बनाऊँगा ई कॉमर्स DB ओके बन चुका है आ चुका है राइट। यहाँ पर टेबल ऑटोमेटिक क्रिएट करेंगे दैट मीन्स क्या जैसे हम रन करेंगे डाटा जेपी ने ऑटोमेटिकली उसका टेबल क्रिएट कर देगा। ड्राइवर क्लास नेम तो कौन सा है जैसे मैं यूज़ करूँ माई स्कूल का यूजर नेम रूट है पासवर्ड मेरा पासवर्ड है थाइवन डायलेक्ट क्या है ना माई स्कूल 8 डायलेक्ट एंड जो डिटेल ऑटो अपडेट है दैट मीन्स क्या है ना ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट कर देगा अगर नहीं है तो क्रिएट करेगा अगर है उसके ऊपर वो अपडेट कर देगा कुछ चेंजेस मैं करता हूँ राइट। यह अभी हो चुका है इसका सिंपल अभी रन करेंगे रनाच सिंगूटा ओके देन ओके में क्लिक कर दूंगा ओके डन। तो रन हो चुका है आके रिफ्रेश कर लेंगे कैसे दिखता है अभी से दिख रहा है तो स्टेटस का नीचे तो मतलब जैसे रिफ्रेश करता हूँ बाई डिफ़ॉल्ट एक्टिव है एक्टिव वाला इसको हम ऊपर वाला एक्टिव कर देंगे तो आ जाएंगे। तो जैसे कि कैटेगरी HTML पेज में आएंगे तो यहाँ पर जो स्टेटस लिखा आ रहा है डिफ ये दिखाएंगे क्या है ना एक्टिव ये दिखाएंगे इनएक्टिव
टाइप रेडियो और नेम में दे देंगे इसका स्टेटस या इज एक्टिव। इज एक्टिव नेम रखेंगे राइट, दैट मीन्स यहाँ पर जो नेम रखेंगे आपको मॉडल नेम से सेम होना चाहिए, अगर मिसमैच होगा देन आपको वैल्यू नहीं मिलेगा। ओके तो गाइज ये ध्यान से करना है, कैटेगरी डॉट जावा जो मेरा था मॉडल, तो पर देखो इज एक्टिव जो नेम है इज इमेज नेम नेम या राइट, तो इमेज नेम का थोड़ा अलग प्रोसेस में हम करेंगे, पहले हम क्या ना नेम इज एक्टिव ये वाला सब कुछ अभी सेव करते हैं राइट, प्रॉपर वेयर में करेंगे, कैटेगरी में आ जाएंगे नेम जो मेरा इज एक्टिव, तो इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। आईडी तो कुछ रहने देते हैं, आईडी नॉर्मल इज एक्टिव सिंपल इज एक्टिव एंड जो यहाँ पर है रेडियो बटन इज एक्टिव प्लेस चेक, चेक वाला हम फर्स्ट स्टार्टिंग वाला रखेंगे बाय डिफॉल्ट एक्टिव रहेगा राइट। तो ओके डन, अब सही दिखने वाला है, फिर से मैं कर दूंगा, अब एक्टिव दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट एक्टिव रहेगा। फोटो इमेज से हम उसके बाद से हम बॉटम में यूज़ करना था, बटन आई थिंक मैंने यूज़ नहीं किया था, तो आ जाएंगे चलेंगे बटन क्लास बीटीएन बीटीएन प्राइमरी सबमिट या सेव कोल एम डी 12 मार्जिन टॉप 2 ओके सेव आ चुका है। तो हम जैसे कि नेम दे देंगे हाँ एक्टिव इनएक्टिव अपलोड इमेज, तो इमेज के जैसे कि हम फाइल टाइप यूज करें तो ये अलग, हम जैसे नेम दे देंगे इसका फाइल दे देंगे ओके उसके बाद जी नेम होगा मेरा नेम होगा नेम राइट। तो आपको जो जावा जो मॉडल क्लास के हिसाब से सेम होना चाहिए नेम एंड ये होगा इज एक्टिव एंड उसके बाद ये जो फाइल है इतना ही डन। उसके बाद जैसे कि हम फाइल का इमेज के नेम स्टोर करेंगे डाटाबेस में, हम यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे उसके अंदर कैटेगरी इमेज का इमेज रखेंगे राइट, जो भी कैटेगरी इमेज वगैरह यहाँ पर स्टोर करेंगे ओके। तो सिंपली अभी आ जाएंगे ओके, तो हम फाइल को रिसीव करने के लिए हम रिक्वेस्ट पारम यूज करेंगे राइट, तो रिक्वेस्ट पारम तो रिक्वेस्ट पारम तो फाइल का नेम मैंने जो रखा था उसको फाइल का नेम दे देंगे, तो फाइल स्ट्रिंग फाइल दे देंगे ये उसके बाद हम कॉमा दे देंगे राइट। तो फिर मैं चेक करूँगा ये वाला नहीं तो इफ फाइल नेम फाइल नॉट एम्प्टी तो कि टर्नेट ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे बहुत इजी होगा। तो मान लो जैसे कोई यूजर ने फाइल मैंने नहीं दिया राइट, तो कंपलसरी तो फाइल देना है बट यहाँ पर हम जैसे प्रॉपर हम वैलिडेशन भी लगाएंगे मान लो राइट, इफ नहीं इफ नहीं टर्नेट ऑपरेटर यूज कर लेंगे फाइल इज एम्प्टी आइदर ऑब्जेक्ट टू नॉट फाइल नॉट इक्वल टू नॉल देन हम टर्नेट ऑपरेटर नॉल नहीं है दैट मीन्स क्या ना फाइल का नेम गेट करना है फाइल डॉट गेट सबमिटेड फाइल नेम सॉरी आपको स्ट्रिंग नहीं देना था तो यहाँ पर लिखा था ना मल्टी पार्ट फाइल, तो इसका जो डाटा टाइप जो है मल्टी पार्ट टाइप राइट मल्टी पार्ट, इसको डाटा टाइप जो रहने वाला फाइल का मल्टी पार्ट राइट, तो ये बच्चों मल्टी पार्ट गेट सबमिटेड फाइल नेम मेरे को मिलेगा पर्टिकुलर ओरिजिनल नेम, तो डाटा हम स्टोर करेंगे फाइल का नेम, अगर नहीं है तो उस टाइम क्या करेंगे एन ए रखेंगे, मतलब नहीं है कुछ फाइल मेरा नहीं दिया हुआ है या इधर मान लो डिफॉल्ट दे देंगे डिफॉल्ट नेम से कुछ इमेज रख देंगे डिफॉल्ट डॉट जेपीजी राइट, उसको मैं सीखी कंट्रोल वन दबा देंगे ना इधर ये वाला मेरे को रिटर्न करना है स्ट्रिंग फाइल नेम ये इमेज नेम ओके डन। तो मेरे जिससे जो मिलने वाले तो मैंने लॉजिक क्या लगाया फाइल नॉट इक्वल टू नॉल दैट मीन्स क्या ना मेरे यहाँ पर फाइल है, अगर फाइल है दैट मीन्स क्या ना ट्रू कंडीशन में वाला एग्जिट होगा, अगर फाइल नहीं होगा दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट डॉट जेपीजी पैन ऐड हो जाएगा राइट। तो मैंने रखा यहाँ पर कुछ कार्टून का नया इमेज होगा वो डिफॉल्ट क्या है ना नेम स्टोर हो जाएगा नहीं तो डिफॉल्ट डॉट जेपीजी स्टोर होगा राइट। तो उसके बाद जो ये जो ऑब्जेक्ट के अंदर हम सेट करेंगे इमेज का नेम होगा सेट होगा कैटेगरी और सेट इमेज नेम, तो हमें कैटेगरी इमेज नेम ऐड हो जाएगा राइट, इतना ही काफ़ी डन, इमेज ऐड हो चुका है तो मेरे को मिल जाएगा इमेज के नेम ओके। अगर मान लो कोई यूज़र ने इमेज अपलोड किया है तो उसका नेम यहाँ पर मैसे ना गेट हो जाएगा, अगर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट डॉट जेपीजी मिलेगा ओके। तो अगर नहीं देगा तो बाय डिफॉल्ट नॉल आएगा, जब नॉल आएगा दैट मीन्स ये एल्स वाला ब्लॉक एक्जीक्यूट होगा स्टार्ट होगा तो स्टूडेंट डिफॉल्ट डॉट जेपीजी दे देगा ओके डन। बट अभी क्या है ना मेरा अभी डाटाबेस के अंदर फाइल के नेम स्टोर होगा बट यहाँ पर जो फोल्डर के अंदर ये इमेज स्टोर नहीं होगा, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे अब पहले हम इसको चेक कर लेंगे एक बार
ओके तो जैसे कि उसके बाद फ्रंट एंड में भी हम दिखाएंगे, उसके मैसेज भी दिखाएंगे, तो पहले इतना ही चेक कर लेते हैं, उसके बाद एक एक मॉडल को इम्प्लीमेंट करेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे क्या। ओके तो गाइस यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, तो सेव कैटेगरी जो है इसके URL मैपिंग भी करना है ना HTML पेज से, तो आ जाएंगे पर एक्शन जो है यहाँ पर डिफाइन करेंगे एक्शन, तो ऐसे कौन सी फोल्डर के अंदर ये एडमिन पैकेज जैसे मैपिंग है, जैसे देखा देता हूँ एडमिन कंट्रोल जो है एडमिन के बाद आएगा, एडमिन के बाद जैसे ये वाला हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके देन एडमिन स्लैश एडमिन स्लैश एडमिन देन सेव कैटेगरी मेथड जो है लिखेंगे पोस्ट टाइप होगा, यानी जो नेम एट्रिब्यूट जो मॉडल क्लास का सेम नेम होना चाहिए इज एक्टिव, और उसके बाद ये वाला अलग है मैंने इसको ले रहा रिक्वेस्ट फार्म की से। ओके डन, आपको अभी सब सब कुछ सही चलेगा। तो जैसे मैंने प्रोग्राम को रन किया था ना एक बार डाटा उसमें चेक करें टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं, जैसे मैं रिफ्रेश कर लूँगा अभी देखना ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट हो चुका है, जैसे मैं डिटेल ऑटो अपडेट मैंने यूज़ किया था सिलेक्ट, अभी देख सकते इमेज नेम इज एक्टिव और नेम आ चुका है राइट। ओके तो मैं एक टाइटल दे देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको एक्टिव रखेंगे एंड चूज। ओके तो गाइस यहाँ पे चेक करना होगा इसका वैल्यू क्या है। ओके ट्रू फॉल्स में जाएगा राइट, अपलोड इमेज में दे देता हूँ आर डॉट जे पी जी, सबमिट पर क्लिक करता हूँ। ओके यहाँ पर क्या दिखा रहे करंट रिक्वेस्ट इज नॉट ए मल्टी पार्ट रिक्वेस्ट, क्यों लिखा, दैट मीन्स मैं फाइल जो भेजूंगा उसका डाटा टाइप क्या है मल्टी पार्ट, बट यहाँ पर क्या है ना फॉर्म टैग का ना मेरे को डिफाइन भी करना है, तो मैं आ जाएंगे जैसे जो मैं अगर फाइल कुछ भेजना है आपको यहाँ पर इंक टाइप एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है इंक टाइप मल्टी पार्ट मल्टीपल स्लैश फॉर्म बटा, जैसे मैं यूज करूंगा दैट मीन्स उसके अंदर जो हम भेजेंगे इमेज दैट मीन्स क्या है ना डाटा के साथ उसके बाद हम जैसे फाइल भी भेज सकते हैं ये वाला आटो जैसे मैं यूज करूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स अपलोड इमेज आर डॉट जेपीजी सेव राइट। तो अभी क्यों रिसोर्स दिखा रहे फिर से दिखा रहे नो स्टैटिक रिसोर्स कैटेगोरी, तो अभी आ जाएंगे एक बार तो डायरेक्ट उसमें आएंगे सेव हुआ कि नहीं, अभी देखना सक्सेसफुली सेव हो चुका है मेरा इमेज का नेम इज एक्टिव, मतलब क्या ट्रू मतलब क्या है ना वन, जीरो मतलब क्या ना फॉल्स राइट। तो ये वाला आ चुका है इलेक्ट्रॉनिक्स राइट। तो उसके बाद मान लो जैसे कि मतलब ये दिखा नो सैटिस्फैक्शन दैट मीन जैसे रिडायरेक्शन होने के बाद उसको पेज नहीं मिला, तो मेरा बाय डिफॉल्ट क्या ना इस वाला पेज को एक्सेस करने के लिए बाय डिफॉल्ट एडमिन के पास लास्ट कैटेगरी होनी चाहिए, बट अभी जैसे मैं रिडायरेक्शन कर चुका हूँ उसको डायरेक्ट कैटेगरी उसको पाथ नहीं मिला, इसे दिखा रहा है कि नो स्टार्टर रिसोर्स कैटेगरी। तो गाइज कुछ भी एरर आया ना उसको प्रॉपर उसको रेक्टिफाई करो, उसका मीनिंग क्या है गूगल में सर्च करो राइट। तो मैंने को बहुत सारे स्टूडेंट किया ना डायरेक्ट मेरे को मैसेज करते हैं सर ये वाला इशू आ रहा है, उससे बेटर क्या ना आपको पहले अच्छे से इसको समझना है क्या एरर क्या है। तो जैसे देखा मैं दिखा रहा हूँ स्टेटस 404 दैट नॉट फाउंड, दैट मीन्स क्या ना कोई भी रिसोर्स अगर ट्राई करो गेट करने के लिए उस टाइम नॉट फाउंड दिखेगा राइट। स्टेटस को सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आपको पढ़ना है राइट, तो इसे रेस्ट पेपर जब बनाओगे इसको जरूरत है। तो यहाँ पर जैसे मैं नो स्टैटिक रिसोर्स कैटेगरी दैट मीन्स क्या है जो भी मैं रिडायरेक्शन कर रहा हूँ उसको कैटेगरी पेज नहीं मिल रहा है, तो अगर सही से आपको देना होगा तो आ जाएंगे कैटेगरी एडमिन कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पर आ जाएंगे ये कौन सा है एडमिन फोल्डर जैसे एडमिन मैप है पेरेंट मैपिंग उसके बाद कैटेगरी मिलेगा आपको। ओके तो मैं देता हूँ लास्ट वाला सेकेंड वाला क्या है ना मैं देता हूँ एक मोबाइल फोन, मैं इनएक्टिव कर देता हूँ अपलोड इमेज क्या मैं देता हूँ कुछ ESP सेव में कर दूंगा। अभी देखो सक्सेसफुली यहाँ पर वही पेज में आ चुका है डाटा उसमें को चेक कर लूँगा क्या आया अभी राइट ट्रू आ रहा है। ओके तो गई सिंपली क्या है ना तो इसके वैल्यू मेरे को पास कहाँ था राइट, तो वैल्यू जैसे कि तो बाय डिफॉल्ट हम सिलेक्ट करेंगे बाय डिफॉल्ट क्या ट्रू सब कुछ ट्रू आ रहा है, बाय डिफॉल्ट जो एक्टिव दिखा रहा है उसको क्या करेंगे हम ट्रू फॉल्स वैल्यू भेजेंगे यहाँ पर राइट। तो आ जाएंगे कैटेगरी HTML जो वैल्यू आ रहा था यहाँ पर नेम नेम टाइप चेक एडिट यहाँ पर जो है एक्टिव नेम होगा ये सॉरी वैल्यू होगा ये ट्रू यहाँ पर दिखाएंगे इसके वैल्यू फॉल्स उतने और कुछ नहीं रखेंगे, अब सही जाने वाला सब कुछ। अभी आ जाएंगे कि मोबाइल देखेंगे तो मोबाइल के बाद लैपटॉप इनएक्टिव कर देंगे इमेज फाइल
रिफ्रेश कर देंगे, वह नेगेटिव ये वाला है सी डॉट पी एन जी, सेव में क्लिक कर दूंगा, सेम पेज में आ चुका है। अभी एक मैं रिफ्रेश कर लूँगा, देखो देखें क्या हुआ। अभी देखो सक्सेसफुली आ चुका है, तो जैसे कि इमेज के नेम आ रहा है, जो मैं इमेज सेव कर रहा हूँ उसका नेम दिखा रहा है। स्टेटस जीरो मतलब क्या, फॉल्स है, राइट। ये बिट फॉर्मेट में स्टोर है डाटाबेस में, तो वन मतलब ट्रू है, जीरो मतलब फॉल्स है। यार यहाँ पर लैपटॉप दिखा रहा है, सेम लैपटॉप को मैं जैसे मैं ट्राई करूँगा देखना, अभी जैसे कि वो एरर दिखेगा। मान लो जैसे मैं अपलोड इमेज कुछ भी कर लेता हूँ तो अभी सेव नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर इमेज दिखा रहा है, मैसेज होगा, प्रॉपर दिखाएंगे, मैसेज दिखाएंगे कैसे, मैं दिखाऊंगा। देखो यहाँ पर थ्री है, थ्री होगा और कोई इंसर्ट नहीं हो रहा है। तो मैं क्या ना मैसेज दिखाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर आ जाऊँगा एक आठ कटोरी नीचे एक मैसेज दिखाएंगे। तो मैसेज के लिए मैंने क्या यूज़ किया था यहाँ पर, सेशन एस टी टी सेशन मैंने यूज़ किया था, ये वाला कौन सा, ये सेशन कौन सा है, सेशन का ऑलरेडी वैल्यू भी स्टोर है, बट यू आई में दिखाना है, राइट। यू आई में दिखाने के लिए आपको यूज़ करना होगा टी एच ब्लॉक में, यूज़ करूँगा, आ जाएंगे। तो अभी ये वाला एडमिन फोल्डर के अंदर कटोरी फोल्डर नेम, उसके बाद नीचे जो है यहाँ पर ये कटोरी है, इसका नीचे हम दिखाएंगे टी एच ब्लॉक। तो ये जिस टाइम लिप का है, टी एच इफ डॉलर सिंबल, राइट। तो जैसे कि हमारे सेशन के अंदर वैल्यू होगा ये सेशन डॉट सक्सेस मैसेज, अगर मैसेज आएगा देना हम क्या करेंगे इसको दिखाएंगे यहाँ पर, तो पी टैग के अंदर दिखाएंगे क्लास टेक्स्ट सेंटर या टेक्स्ट सक्सेस दिखाएंगे, मतलब ग्रीन कलर में दिखाएंगे। उसका फॉन्ट वेट उसको बोल्ड में दिखाएंगे, फॉन्ट वेट बोल्ड, राइट। यहाँ पर जो मैसेज आएगा दिखाएंगे यहाँ पर, उसका जो एट्रीब्यूट का नेम किया था एस डब्ल्यू डबल सी सी सक्सेस मैसेज, राइट ओके। तो अभी मैं सेव कर लेता हूँ एक बार, जैसे मैं रिफ्रेश कर उसको डिलीट भी करना है, राइट। कैसे मैं करके वो भी दिखाऊंगा, रिफ्रेश कर लूँगा, राइट। अभी आ जाएंगे एक बार तो ओके, लैपटॉप दिखाऊंगा। तो सर ये एरर के लिए मैंने डिफाइन भी नहीं किया, सेम तरीके का एरर के भी करना है तो कॉपी कर लेंगे एक बार। ये वाला क्या ना एरर मैसेज, एरर मैसेज ये जो होगा डेंजर रेड कलर में दिखाना चाहता हूँ, राइट। तो ऐसे मैं आकर फिर से लैपटॉप वाला ऐड करता हूँ, तो वो इमेज कुछ दे देता हूँ, तो ऐड ही नहीं होगा। बट यहाँ पर मैसेज दिखाना है, बट यहाँ पर क्यों नहीं दिख रहा है, ओके चेक करेंगे एक बार। उस एटीट्यूड का नेम क्या था, एडमिन कंट्रोलर में आएंगे तो इसी की एरर मैसेज था, एरर मैसेज। तो यहाँ पर चेक करेंगे एरर मैसेज सही है कि नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्ट है मतलब सेशन के अंदर ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन देखिएगा तो यहाँ पर एरर मैसेज। नेक्स्ट क्या है ना सक्सेस मैसेज, ये वाला है कटोरी डॉट एच टी एम एल, ओके डन। एक बार रीरन कर लेंगे, ओके। तो ये कंप्लीट हो चुका है, तो आज रिफ्रेश कर लेंगे एक बार, ओके। तो लैपटॉप तक रखेंगे, इमेज दे देंगे, ओके। तो गाइस यहाँ पर इमेज क्यों नहीं दिख रहा है, तो ओके गाइस जैसे कि यहाँ पर मैसेज नहीं आने का मेन रीज़न क्या है ना, तो जैसे कि सिंपल आपको यहाँ पर मेरे को ऐड करना था एक सेशन डॉट सक्सेस मैसेज, मैसेज सक्सेस मैसेज नहीं मिलेगा, सेशन का अंदर सक्सेस डॉट मैसेज है, तो उसको मैं यहाँ पर ऐड करना था, तो मैंने इसको ऐड करने भूल गया था, इसे मैं ऐड कर दूंगा। और उसके बाद डॉट हो चुका है, उसके बाद मेरे को यहाँ एफ एस फोर नहीं देना है, तो उसको मैं क्या करूँगा यहाँ पर जो है ये वाला जो है इसको पी टैग दे दूँगा, आर कटोरी इसको दे देंगे एफ एस क्लास एफ एस फोर, राइट।
तभी इसी बोर्ड में दिखेगा, तभी आज इनका रिफ्रेश कर लेंगे। राइट, सिंपल सही दिख रहा है। अभी मैं क्या करूँगा, लैपटॉप आर कर देंगे, लैपटॉप सेम प्रोडक्ट को मैं आर कर सेम कैटेगरी नेम से। मैं सी टू को आर कर रहा था, बुक का नेम सेव कर रहा हूँ। अभी देखना कैटेगरी नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, राइट, तो अभी सही दिख रहा है। बट इसको जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा रिमूव होनी चाहिए। दैट मीन्स क्या है ना, मेरे सेशन के अंदर वैल्यू है उसको रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव करेंगे, तो सिंपल अभी यहाँ पर एक लॉजिक इंप्लीमेंट करना है, जिसके आ जाएंगे तो कैटेगरी सर्विस आई एम पी या समथिंग कहीं पर भी हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं है ये सिंपल। तो आ जाएंगे एक बना लेंगे कॉमन सर्विस, या इस बना लेंगे क्लास कॉमन कॉमन सर्विस। इसको हम जैसे इंटरेस्ट बना लेंगे, कोई भी कॉमन यूज होगा तो इंटर सर्विस इसको लेंगे यूज करेंगे, राइट सर्विस। इसमें तो एक मेथड बनाएंगे पब्लिक, नहीं तो सिंपल ओके। पब्लिक void रिमूव सेशन मैसेज, राइट, तो ये एक मेथड बनाना है मेरे को यहाँ पर, राइट। तो ये मैं एक मेथड बना लिया, इसके एक इंप्लीमेंट क्लास भी बनाएंगे, क्लास कॉमन सर्विस आई एम पी एल, उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे कॉमन सर्विस, ओके इसको हम बना लेंगे सर्विस। बोलो मेथड हमें ओवरहेड कर लेंगे, ओवरहेड इम्प्लीमेंट मेथड देन ओके। जैसे मैं रिफ्रेश करूँ उसका भी रिमूव होना चाहिए। राइट डन, तो इसमें अंदर क्या है ना, तो एक मेरे को अभी रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव करेंगे, तो फर्स्ट वाले क्या होता है, जैसे रिक्वेस्ट कॉन्टेस्ट होल्ड और गेट एट्रीब्यूट के हम गेट करेंगे, रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट होल्डर डॉट गेट रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट, राइट। उसको क्या करेंगे, एक मैं क्या करूँगा उसको ब्रैकेट में रख दूंगा, उसको टाइप कास्ट करना है सर्वलेट रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट में, उसको टाइप कास्ट करना है, राइट, सर्वलेट रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट, ओके सर्वलेट रिक्वेस्ट, जैसे कि हम उसको एट्रीब्यूट के अंदर उसको टाइप कास्ट करेंगे सर्वलेट रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट्स, राइट। ये हो चुका है, होल को डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, रिक्वेस्ट मेरे को गेट करना है, इसको होल को फिर से मैं ब्रैकेट दे देता हूँ, गेट करना है गेट, जैसे कि यहाँ पर रिक्वेस्ट गेट करेंगे कौन सा रिक्वेस्ट आया, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर मिल जाएगा, उसको मैं इसको असाइन कर दूंगा जैसे कि एस टी डी सर्वर रिक्वेस्ट, तो मतलब एस टी डी सर्वर रिक्वेस्ट के अंदर फुल्ली मेरे को ये वाला करना है, राइट, रिक्वेस्ट मिल जाएगा। तो रिक्वेस्ट तो नाइटली सिंपल क्या है ना, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, यहाँ सेशन में गेट कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट गेट सेशन, मेरे को सेशन का अपडेट मिल जाएगा, राइट, सेशन जैसे अपडेट मिल जाएगा तो रिमूव कर सकता हूँ, सेशन डॉट रिमूव एट्रीब्यूट क्या ना, अगर दोनों है सक्सेस मैसेज अगर होगा तो उसको रिमूव कर देगा, सेशन डॉट अगर होगा तो डॉट रिमूव एट्रीब्यूट, जैसे कि मैं उसको कर दूँगा एरर मैसेज, ओके डन। इतने और कुछ नहीं, डायरेक्टली इसको डायरेक्टली हम यूज कर लेंगे अभी, ये वाला जो मेथड को डायरेक्ट जैसे मैं यूज करूँगा, जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा यहाँ पर, अगर पहले क्या है रिक्वेस्ट गेट कर गया, रिक्वेस्ट सेशन गेट करने के बाद अगर उसके अंदर जैसे एक्सेस मैसेज का डाटा होगा तो उसको एरर्स कर देगा, रिमूव कर देगा, राइट। तो अभी आ जाएंगे एडमिन डॉट, यहाँ पर आ जाएंगे कैटेगरी में, यहाँ पर सिंपल है जैसे कि यहाँ पर इसको नीचे, तो उसके अंदर नीचे जैसे कि हम यूज करें टी एच ब्लॉक, ओके टी एच ब्लॉक, टी एच डॉट टेक्स्ट को मैं क्या करूँ यहाँ पर कॉल करूँगा, राइट, टी एच डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, इसके बाद दे देंगे हम जैसे कर्ली ब्रेसेस देंगे, डॉलर सिंबल देना, फर्स्ट डॉलर सिंबल कर्ली ब्रेसेस एट द रेट पर्टिकुलर क्लास का कॉल करेंगे डायरेक्टली यहाँ पर कॉमन सर्विस आई एम पी एल, राइट, उसको कॉल कर लेंगे कॉमन सर्विस आई एम पी एल, राइट डॉट जैसे जो मेथड के नेम था उस नेम मेथड को कॉल करेंगे रिमूव सेशन मैसेज, ये वाला नहीं तो रिमूव सेशन मैसेज कर देंगे, देन उसके बाद ये वाला कॉल कर देंगे, इतना ही, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा ये वाला मैसेज रिमूव हो जाएगा, ओके दोनों में पेश कर देना है, सक्सेस मैसेज के अंदर जैसे आएगा और रिमूव कर देगा, एरर मैसेज के अंदर आएगा मतलब वो रिमूव कर देगा, ओके तो अभी आ जाएंगे एक बार रिफ्रेश में कर लूँगा, जैसे मैं रिफ्रेश कर लूँगा रिमूव हो जाएगा, अब क्या दिखा रहा है एरर, ओके इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि आपको कोई टाइम लिमिट के अंदर एरर आता है स्क्रॉल डाउन करें नीचे, यहाँ पर सब कुछ दिखाएगा, राइट। तो लाइन नंबर 23 कुछ भी एरर उसको देखना है, रेक्टिफाई करना है, 23 पे आ जाएंगे, 23
ओके तो गाइस जिसे यहाँ पर जो इश्यू दिखा रहा था दैट मीन्स दिखा रहा है ट्राइंग टू रिजोल्व बीन कुड नॉट बीन रेफरेंस अगेंस्ट बीन फैक्ट्री राइट। तो जिसे हम बीन जो बना रहे हैं जैसे कोई बीन नेम गेट करेंगे तो हमें नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा गलत हुआ दैट मीन्स जो क्लास का नेम है फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा राइट। तो इसमें जैसे कि वहाँ पर कॉमन सर्विस आए हैं पहले जैसे पर्टिकुलर उस क्लास का बीन जो नेम है होता है स्टार्टिंग स्मॉल में होता है राइट। तो जैसे पर्टिकुलर उसका बीन नेम के हिसाब से उसको अपडेट मिल जाएगा। जैसे मैं रिफ्रेश कर दूंगा अभी देखो सही से आ रहा है, जैसे मैं रिफ्रेश कर लूँगा रिमूव हो जाए देखिए तो उसमें रिमूव हो चुका है। जैसे कार्टून नेम में और अलग कुछ दे रहा हूँ क्लॉथेस क्लॉथ राइट। तो मैं जैसे एक्टिव कर देता हूँ अपलोड इमेज कर देता हूँ और सेव में कर दूँ तो अभी देखिए सक्सेसफुली। तो अभी क्या दिखा रहे रहा इशूज फिर से ओके। तो सक्सेस मैसेज के अंदर ये वाला भी आ रहा है इसको मैं स्मॉल में करना था तो ओके कॉमन सर्विस आई एम पी एल रिफ्रेश कर लूँगा एक बार सक्सेस सेव सक्सेस दिखा रहे हैं मैं रिफ्रेश करूँगा अभी आ चुका है राइट। अभी मैं आर के आर कर दूँगा जैसे कि और समथिंग किचन किचन राइट। तो किचन रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट वगैरह रहेगा तो वहाँ पर दिखाएंगे उसको उसका एक मैं आर कर देता हूँ सेव सक्सेसफुल अभी सही से सब कुछ आर कर जैसे मैं रिफ्रेश कर लूँगा रिमूव हो चुका है राइट। तो कैटेगरी ऐड हो रहा है बट इसके साथ इमेज भी मेरे को अपलोड करना था राइट। तो इमेज कैसे अपलोड करना है सिंपल अभी जैसे कि मेरे को फाइल नेम स्टोर हो रहा है डाटाबेस में आपको दिखाता हूँ डाटाबेस में जो स्टोर हो रहा है सब कुछ इमेज का नेम स्टोर हो रहा है बट उसका जो फोल्डर जो इमेज रहेगा सब इसी के अंदर स्टोर करना है। किसके अंदर ना जो मेरे एक स्टैटिक के अंदर एक इमेज फोल्डर है कार्टोरी इमेज के अंदर हम रखेंगे यहाँ पर राइट। ओके तो इसके अंदर लॉजिक लिखेंगे ओके दैट मीन्स एडमिन कंट्रोल पे आएंगे तो यहाँ पर लॉजिक लिखना है राइट। तो सक्सेसफुली तो यहाँ पर मैं चेक करूँगा दैट मीन्स क्या ना जब मेरा सक्सेसफुली डाटाबेस के अंदर उसका रिकॉर्ड इंस्टॉल हो जाएगा मतलब स्टोर हो जाएगा तब उसके बाद जो इमेज को लेके हम इमेज फोल्डर के अंदर स्टोर करेंगे इमेज फोल्डर के अंदर कैटेगरी इमेज के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पर दैट मीन्स क्या है ना जब ये वाला एम्प्टी होगा तब ये वाला सर्वर एरर देखेगा आइदर नहीं तो एल्स ब्लॉक कब एक्सोर सक्सेसफुल जब इंसर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर इसी के अंदर ब्लॉक लिखेंगे। मान लो जैसे हमारा सक्सेसफुल सेव हो चुका है दट ये एल्स ब्लॉक एक्जूट होगा राइट। तो यहाँ पर मेरे को लॉजिक लिखना है राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये वाला पाथ को गेट करना है कौन सा ना इमेज फोल्डर का वो जो स्टैटिक फोल्डर का अंदर जो इमेज इसको गेट करना है न्यू क्लास पाथ रिसोर्स प्लस पाथ रिसोर्स राइट। तो उसको पाथ देना है तो मेरा पाथ नेम क्या था स्टैटिक स्लैश आई एम जी फोल्डर राइट। देन उसके बाद डॉट गेट फाइल राइट फाइल मेरे को मिल जाएगा राइट। उसके बाद मैं इसको आसान कर देता हूँ नॉट दिस वन तो आपको थ्रो बिस भी करना है आई ओ एक्सेप्शन राइट। उसके बाद मैं यहाँ पर उसको कर देता हूँ लोकल जैसे कि ये पाथ मिल जाएगा आपको सेव फाइल पाथ सेव फाइल मैं जो रहने वाला है ओके उसके पर्टिकुलर पाथ मेरे को गेट करना है पर्टिकुलर इसके अंदर जो रहेगा मेरे ये वाला भी मैं तक यहाँ तक मेरे मिल चुका है ये मेरे को पाथ मेरे को मिलना है कैटेगरी इमेज तक। तो पाथ कैसे गेट करेंगे राइट। तो पाथ जैसे जावा एन आई ओ डॉट जी पैकेज को यूज करेंगे राइट। उसके बाद गेट करेंगे गेट यू आर एल देना है पर्टिकुलर देन सेव तो वैसे सेव नहीं नॉट दिस वन सेव फाइल डॉट गेट सिंपल उसको दे देंगे फाइल पाथ फाइल दे देंगे फर्स्ट नहीं तो सिंपल सेव फाइल सही है ऐसे फाइल पाथ देन है उसके बाद गेट एब्सोल्यूट पाथ क्रिएट करेंगे जिससे कि जो तक है वहाँ पर उसको एब्सोल्यूट पाथ मेरे को मिल जाएगा राइट। उसके बाद मेरे को स्लैश देना है स्लैश के डायरेक्टली में स्लैश नहीं दे सकता फाइल जो क्लास जावा डॉट आई ओ डॉट सेपरेटर यूज करेंगे स्लैश आएगा राइट। प्लस सिंबल देंगे राइट। उसके बाद देना है जैसे कौन से फोल्डर है तो मतलब क्या है ना यहाँ तक तो आ चुका है स्टैटिक इमेज फोल्डर आ चुका है उसके बाद कैटेगरी इमेज तक जाना है तो मतलब स्लैश मैंने यूज किया यहाँ पर उसके कैटेगरी इमेज जाना है कैटेगरी इमेज का नेम देना है कैटेगरी अंडरस्कोर आई एम जे इमेज गया राइट। उसके बाद फिर से मेरे को स्लैश सेपरेटर चाहिए फाइल डॉट गेट्स देन सेपरेटर राइट। सेपरेटर के बाद तो मेरे को देना है जैसे कि फाइल के नेम तो फाइल नेम मैं ऑलरेडी यहाँ पर गेट कर चुका हूँ ओके। तो ये वाला है तो इमेज नेम तो मेरे को इमेज नेम मिल जाएगा आई तो राइट फाइल से मैं गेट कर सकता हूँ तो मेरे को फाइल मिला है अभी राइट। तो आ जाएंगे तो फाइल डॉट गेट सबमिटर फाइल नेम ओरिजिनल फाइल नेम राइट अभी मेरे को मिल चुका है। तो ये मेरे को क्या है ना पूरा फुल्ली जो सेव होने वाला पाथ मिल चुका है पाथ पूरा मिल गया। अभी मैं पाथ को प्रिंट करके भी दिखा सकता हूँ कौन से पाथ मेरा सेव हुआ कि नहीं सिस्टम डॉट प्रिंटर लाइन पाथ को प्रिंट कर लूँगा ये पाथ में फाइल दे। तो अभी जैसे कि राइट करने के लिए दैट मीन्स फोल्डर के अंदर अटा पाथ जो मेरा जो फाइल है इमेज को स्टोर करने के लिए फाइल्स में यूज करूँगा फाइल्स नए डॉट कॉपी राइट मतलब पर्टिकुलर पाथ में और होना चाहिए। सोर्स मेरा क्या है ना फाइल डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम राइट। तो ये हो चुका है तो उसके बाद पाथ कौन सी पाथ मेरे को देना है पाथ देना है ये पाथ मेरा स्टोर होगा। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉपी है स्टैंडर्ड
कॉपी ऑप्शन राइट, देन उसके बाद जैसे कि रिप्लेस एग्जिस्टिंग, अगर होगा ऑलरेडी है उसको एग्जिस्ट कर लेगा, रिप्लेस एग्जिस्टिंग उसके ऊपर ओवरराइड हो जाएगा राइट। इतना ही कोड पे क्या है, फाइल अभी स्टोर हो जाएगा इस फोल्डर के अंदर, मैं इस बात का चेक कर सकता हूँ। ओके मैं आ जाऊँगा अभी, एक बार रिफ्रेश कर लूँगा। जैसे मैं दे देता हूँ अभी ब्यूटी, ब्यूटी मैं अपलोड इमेज NTSC सेव में कर देता हूँ। सक्सेसफुल सेव हो चुका है, मेरे को कॉन्सोल पे मिल जाएगा अभी कौन सा यूआरएल पे, पर्टिकुलरली इस यूआरएल पे मैं खोल लूँगा अभी। ओके आ जाएंगे तो सक्सेसफुली, तो यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हुआ, यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हुआ क्योंकि ना यहाँ पर स्टोर नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जैसे कि एक फोल्डर बना हुआ है, जैसे कि तो आ जाएंगे टारगेट फोल्डर के अंदर बनता है राइट। जैसे प्रोग्राम को जैसे रन करते हैं सक्सेसफुली, रन होने के बाद एक टारगेट के अंदर एक बनता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। टारगेट जो फोल्डर है, ये जो फाइल है, इसके अंदर एक टारगेट एक जनरेट होता है राइट। तो टारगेट फोल्डर के अंदर आपको मिलेगा पूरा पर्टिकुलर ऑल द क्लासेस सभी मिल जाएगा राइट। तो अभी आ जाएंगे, इमेज फोल्डर के अंदर आएंगे, क्या मिस्टेक हुआ आई थिंक, ओके ये रहा क्या मिस्टेक हुआ, नहीं यहाँ पे कुछ कॉपी हो गया गलत राइट। अब पेस्ट करेंगे, ओके ओके तभी देखेंगे। NTSC मैंने अभी रिसेंटली ऐड किया था, पहले से किया ना इतना तक था, ये वाला पैंट भी था बट अभी NTSC मैंने ऐड किया। ओके तो सक्सेसफुली वर्क कर रहा, अभी मैं और बुक्स को ऐड कर लाता राइट सिंपल। अभी मैं और पार्ट कुछ ऐड कर लेता हूँ, तो अभी अपलोड इमेज में कर लूँगा अब कुछ भी, स्टोरी को सेव में मैं क्लिक कर देता हूँ। अभी आज इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर देखो स्टोरी भी आ चुका है। तो सक्सेसफुली क्या है ना, तो ये मेरा यहाँ पर स्टोर हो रहा है फाइल ऑन डाटाबेस में स्टोर हो रहा है मेरे इमेज की नेम। तो गाइस ऐसे ही सर्वर पे अगर होता है जैसे कि रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाओगे, वो क्या होता है ना डाटाबेस के अंदर स्टोर होता है इमेज का नेम ऑन, उसके अंदर एक स्टोरेज बनता है, स्टोरेज के अंदर वो स्टोर होता है, मतलब कि फाइल फोल्डर के अंदर फाइल स्टोर होता है राइट। सो कैसे दिखाएंगे यूआई पे, जैसे कि हम सक्सेसफुल सेव होने के बाद यहाँ पर दिखाएंगे सीरियल नंबर, कैटेगरी, इमेज, एक्शन दिखाएंगे इमेज का नेम। तो गाइज ये वाला वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे। ओके गाइज तो गाइज आज के वीडियो हम जैसे सीख चुके हैं कैटेगरी कैसे ऐड करना है नेम के साथ, और उसके साथ इमेज वगैरह कैसे अपलोड करना है, आज के वीडियो हम सीख चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जैसे बनाएंगे कैटेगरी को जिसे जो मैंने ऐड किया था यहाँ पर दिखाएंगे इमेज के साथ, एडिट डिलीट ऑप्शन भी यहाँ पर ऐड करेंगे। ओके सो गाइज आज के वीडियो में कुछ हेल्पफुल, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ऐसे लेटेस्ट वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहा है। सो गाइज ये वीडियो आपके दोस्तों से भी शेयर कर सकते हो। गाइज इसमें बहुत ही जो प्रोजेक्ट बना रहा है इसमें बहुत कुछ हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तो गाइज मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ अगर ये प्रोजेक्ट आप एंड तक देख लिया ना आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।